Hi guys, most welcome in Super Scientific Academy. Myself Madhav Krishna. Last video में आपको हेनरी लॉ के बारे में बताया गया था और अब हेनरी लॉ पे बेस्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसके बारे में हम बात करेंगे. एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर नाइट्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर इज 6.8 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर. व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिजॉल्विंग वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन. The partial pressure of N2 gas in the atmosphere is 0.78 atm. तो जो भी numerical problem दिया जाता है आपका सबसे पहले काम, जो सबसे पहला point आप solve करते हैं इसमें, जो भी इसमें point दिए गए हैं उनको सबसे पहले लिखिए. क्या दिया गया है? Solubility of gas 25 degree Celsius और 1 atm pressure पे solubility gas की 6.8 × 10⁻⁴ mole per liter. सॉल्युबिलिटी का मतलब ही होता है 1 एटीएम प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो भी गैस का अमाउंट डिजॉल्व है उसको आप सॉल्युबिलिटी बोलते हैं 1 ml सॉल्वेंट में. तो सॉल्युबिलिटी का जो वैल्यू है यानी कि m का वैल्यू है 6.8 × 10⁻⁴. और इस समय प्रेशर कितना है? प्रेशर का वैल्यू है 1 atm. ये प्रेशर है. पूछा गया कि कंसंट्रेशन N2 का कंसंट्रेशन क्या होगा जो इसमें डिजॉल्व है यदि उसको आप एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है 0.78 atm हो जाए. यानी कि ये जो पहला प्रेशर है 1 atm इस पर इसकी सॉल्युबिलिटी है M1. और आगे क्या दिया हुआ है? दूसरा प्रेशर P2 का वैल्यू कितना? 0.78 atm. जब ये सेकेंड प्रेशर हो गया तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, कितना N2 गैस डिजॉल्व होगा, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है. तो हमने जब P1 प्रेशर है तो इसकी सॉल्युबिलिटी M1 है, जब प्रेशर P2 है तो इसकी सॉल्युबिलिटी को हम क्या लिखेंगे? M2. और यही हमको फाइंड करना है. हेनरी लॉ में आपको बताया गया था, आप लिखे हुए थे कि M = kp वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. जब दो अलग-अलग कंडीशन के लेंगे, जब प्रेशर P1 होगा तो सॉल्युबिलिटी को क्या लिखेंगे? M1. तब ये फार्मूला, और जब कंसंट्रेशन, जब प्रेशर P2 होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया. जब भी फर्स्ट में सेकेंड इक्वेशन का डिवाइड करेंगे क्या आएगा? M1/M2 = kp1/kp2, यानी क्या आ गया? p1/p2. ये इक्वेशन आपको बताया भी गया था हेनरी लॉ में, ये इसका एप्लीकेशन है. आप देख रहे हैं यहाँ पे M1 का भी वैल्यू दिया हुआ है, P1 का वैल्यू दिया हुआ है, P2 का भी वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ आपको M2 का वैल्यू फाइंड करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें और जो भी पॉइंट दिया गया उसको मेंशन करें. इसके बाद फार्मूला कौन सा यूज करेंगे खुद आपको समझ में आएगा कि दो अलग अलग प्रेशर है, सॉल्युबिलिटी एक का दिया दूसरे का पूछा जा रहा है, यानी कि M1/M2 = P1/P2. इस फार्मूले का आपको यूज करना है. M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6.8 × 10⁻⁴. और M2 का वैल्यू यही आपको फाइंड करना है. P1 का वैल्यू कितना है? 1 atm. और P2 का वैल्यू कितना है? 0.78. इसको फाइंड करना है, एक साइड में करिए. इसको क्या आ गया? ये आ गया M2 = 0.78 × 6.8 × 10⁻⁴. ये फाइंड करना आपको, इस साइड में लाइए, इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0.78 × 6.8 × 10⁻⁴. ये इसका वैल्यू आ गया. बस इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ गया, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5.3 × 10⁻⁴ mole per liter. ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी. इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. पूछा जा रहा है कि 1 लीटर वाटर में कितना मिलीमोल्स जो है N2 गैस का डिजॉल्व होगा. और एज्यूम दैट N2 एग्जर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 bar. N2 जो है उसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 0.987 bar. गिवन दैट हेनरी लॉज कांस्टेंट यानी कि Ks का वैल्यू N2 के लिए दिया हुआ है 76.48 kilobar. ये पॉइंट दिया हुआ है. तो जो भी दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप लिखें क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है. इसके देखें, यहाँ पे दिया हुआ है 1 लीटर वाटर, पूरे वाटर का जो वॉल्यूम है 1 लीटर यानी कि 1000 ml. इसके
बाद क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर, यानी कि N2 का जो पार्शियल प्रेशर है 0.987 बार। इसके बाद दिया हुआ KH का वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट, KH हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू 76.48 किलो बार। ये जब पार्शियल प्रेशर बार में दिया हुआ है तो ये हेनरी कांस्टेंट जो किलो बार में है इसको भी सबसे पहले हम बार में कन्वर्ट करें, क्योंकि यूनिट का सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देते हैं और यूनिट सेम होना चाहिए, इसलिए इसको किलो बार को बार में बदलेंगे। आपको पता है किलो का मतलब 10^3 होता है, इसलिए इसकी जब 10^3 रखेंगे तो 76.48 × 10^3 बार। या पूछा क्या गया है यहाँ पे, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस, यानी कि आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है लेकिन मिली मोल्स में पता करना है। तो सबसे पहले फार्मूला आप लिखें कि किस फार्मूले से आप पता करेंगे, तो यहाँ पे जब हेनरी कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर दिया होता है तो आप फार्मूले का यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हेनरी लॉ इनटू मोल फ्रैक्शन। इस फार्मूले का आप यूज करते हैं, हेनरी इक्वेशन जो है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, यही आपको फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हो गया पार्शियल प्रेशर अपॉन हेनरी कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कितना है, 0.987 बार, और केएस का वैल्यू कितना है, 76.48 × 10^3। बस इसी को सॉल्व करते हैं। ये मोल फ्रैक्शन N2 का आ गया जो 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व है, कितना आया, 1.29 × 10^-5, ये इसका वैल्यू आ गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया मिली मोल्स, यानी कि ये जो मोलैरिटी फाइंड हमको हुआ है इसको पहले आप मिली मोल्स में कन्वर्ट करें, मोल फाइंड करें कितना मोल है, मोल को मिली मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मिली का मतलब होता है 1/1000, जो लास्ट वीडियो में हमने बताया भी है कि जहां पे भी मिली टर्म यूज किया जाएगा किलो या जो भी उसका क्या वैल्यू आप रखेंगे, तो ये मोल फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड हो गया। मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला क्या है, जब भी मोल फ्रैक्शन N2 का फाइंड करना होता है तो आप लिखते हैं कि N2 के मोलों का नंबर अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S2, ये फार्मूला रखते हैं। ये भी पॉइंट आपको बताया गया कि जब भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसका वैल्यू सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बहुत कम होता है, इसलिए इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब इसका वैल्यू बहुत कम है इसको निग्लेक्ट करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपन नंबर ऑफ मोल ऑफ S2। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसमें, आपने जो फाइंड किया 1.29 × 10^-5, ये दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है N2 के लिए ये आपने फाइंड किया 1.29 × 10^-5, और N2 का नंबर ऑफ मोल कितना है, यही आपको फाइंड करना है N2 का नंबर ऑफ मोल। S2O का नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 लीटर जब भी वाटर आप लेते हैं 1 लीटर वाटर में हमेशा S2O के मोलों का जो नंबर होता है 55.56, इस पे एक क्वेश्चन अलग से आपको बताया गया है कि जब भी वाटर का आप मोल नंबर आप मोल्स फाइंड करते हैं 55.56 एक लीटर में होता है, इसलिए 1 लीटर में वाटर का जो नंबर आप मोल है हमेशा यही वैल्यू आप रखेंगे 55.56। क्या आ गया, N2 इक्वल टू 1.29 × 10^-5 × 55.56, बस इधर इसको लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, N2 के नंबर ऑफ मोल फाइंड हो जाएंगे, तो ये आ गया 0.000716 मोल, N2 का नंबर ऑफ मोल। ये जब इसी को नंबर ऑफ मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जब भी मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मिली मोल इक्वल टू होता है, मिली का मतलब 1/1000, इसलिए जब भी आप जानते हैं हमेशा जब भी स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है, मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करें 1000 का मल्टीप्लाई करें, और जब 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0.716 मिली मोल। ये मोल का वैल्यू है, जब भी मिली का फाइंड करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये डेसिमल आ गया 0.716 मिली मोल, ये इसका वैल्यू आ गया। यही पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ केएच का वैल्यू दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, इसके हेल्प से आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। जब नंबर ऑफ मोल आपको फाइंड हो जाएगा, देखिए मोल फ्रैक्शन फाइंड हो गया, तो मोल फ्रैक्शन के लिए
फार्मूला क्या होता है, उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर। क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसलिए इस टर्म को आप निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बहुत कम होता है। इसको जब आप निग्लेक्ट करेंगे तो फार्मूला बन गया Ka equal to Na2 upon NH2। और एक लीटर में हमेशा वाटर के मोलों का जो नंबर होता है 55.56 होता है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी हमने बताया हुआ था कि ये वैल्यू हर जगह पे पुट अप करना होता है, इसलिए ये आपको लर्न भी होना चाहिए। तो एक लीटर में हमेशा 55.56 बस Na2 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ये मोल में आया है, जब भी मिली मोल में कन्वर्ट करना होगा, मोल को 1000 का मल्टीप्लाई कर। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ O2 इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, एज्यूम दैट O2 एग्जर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.98 बार। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ग्राम पर लीटर इफ KH हेनरी कांस्टेंट O2 के लिए दिया हुआ इस टेंपरेचर पे 34.84 किलो बार। ये पॉइंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो भी पॉइंट दिए है, दिया गया उसमें गिवन है, उसको आप लिखिए। क्या गिवन है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर है 0.98 बार। इसके बाद हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 34.84 किलो बार। तो इस हेनरी कांस्टेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है 34.84 किलो बार, इसको बार में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये बार में है। किलो का मतलब 10 पे पावर 3 कर दीजिए, सिर्फ 34.84 इंटू 10 पे पावर 3 बार, ये हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू। क्वेश्चन में आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है, एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ वहां पे मिली मोल्स में वैल्यू फाइंड करना था, इसमें जो है ग्राम पर लीटर में फाइंड करना है। आप जानते हैं कि जो हेनरी इक्वेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, ये फार्मूला है। इसके लिए दिया गया पार्शियल प्रेशर जो हेनरी कांस्टेंट भी, इन दोनों के हेल्प से क्या फाइंड हो जाए, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन हेनरी कांस्टेंट, ये फार्मूला होगा। इसके लिए देखिए डिवाइडेड बाय KH, यानी कि पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 0.98 और KH का वैल्यू कितना दिया हुआ है 34.84 इंटू 10 पे पावर 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.8 इंटू 10 पे पावर -5, ये मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया। अब इसके हेल्प से आप क्या फाइंड करेंगे, जब मोल फ्रैक्शन फाइंड हो गया तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करिए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी आपको ग्राम पर लीटर में फाइंड करना है। आप यहाँ पे देखें सॉल्युबिलिटी जो है, अगर इसका वैल्यू बार है यहाँ पे और इसका वैल्यू बार है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, ये नंबर ऑफ मोल आ गया है, कितना मोल फ्रैक्शन है, ये वैल्यू आया हुआ है। आपको फाइंड करना है ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल, यानी कि ऑक्सीजन का जब फाइंड कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल मींस ऑक्सीजन का प्लस वाटर का, एक लीटर में जो वाटर है। आप जानते हैं इसका वैल्यू बहुत कम है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसलिए इस वैल्यू को आप निग्लेक्ट करेंगे तो फार्मूला बन गया Ka(O2)NO2/N वाटर। इस NO2 का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, यही आपको फाइंड करना है। ये इस साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया मींस Ka(O2) * नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। Ka(O2) का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपने फाइंड किया हुआ, ये 2.8 * 10 पे पावर -5, और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना है, ये है 55.56। बार बार ये वैल्यू यही हम लिख रहे हैं, क्योंकि एक लीटर में वाटर का हमेशा 55.56 नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होता है, इसलिए यही वैल्यू हम लिख रहे हैं। तो इसका वैल्यू आ गया 1.56 इंटू 10 पे पावर -3, ये इसका वैल्यू नंबर ऑफ मोल आ गया। आपको फाइंड करना है ग्राम पर लीटर, एक लीटर में ये नंबर ऑफ मोल आ गया, 1 लीटर में इतना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, मोल पर लीटर में ये वैल्यू आया है। आपको क्या करना है, इसको ग्राम में बदलना है। तो जो आप नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूला लिखे हुए थे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, यही वेट आपको फाइंड करना है, क्योंकि वेट आप फाइंड करेंगे तो ये ग्राम में होगा, एक लीटर में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल है 1.56 * 10 पे पावर -3, और मोलर मास ऑक्सीजन
देखिए कितना है, ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 का जो है 32 हो जाएगा, यानी कि O2 का मोलर मास 32 होगा, तो इसका वैल्यू हो गया 32, यानी कि ये आ गया 0.05, ये ग्राम पर लीटर में आ गया, क्योंकि एक ग्राम है और एक लीटर में आप फाइंड कर रहे हैं, तो ग्राम पर लीटर में इसका वैल्यू आ चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। द मेजर कंपोनेंट ऑफ O2 एंड N2 विद 20% एंड 79% बाय वॉल्यूम एट 298 केल्विन। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एंड एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm एट 298 केल्विन। इफ KH फॉर O2 इज 3.3 × 10⁻⁷ mmHg एंड KH फॉर N2 इज 6.51 × 10⁷ mmHg। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दिस गैसेस इन वाटर। यानी कि एयर जो है बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें मेन रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है, और इन दोनों का जो परसेंटेज दिया है 20% और 79% रेस्पेक्टिवली, और साथ में गैस का वैल्यू ऑक्सीजन और N2 के लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस के लिए हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ। पूछा जा रहा है कि इनका कंपोजिशन क्या होगा या मोल फ्रैक्शन दोनों का क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया उसको पहले लिखें। इसमें परसेंटेज दिया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन 20% है और नाइट्रोजन जो है 79% है, और दोनों के लिए केएच का वैल्यू भी दिया हुआ है। ऑक्सीजन के लिए केएच का वैल्यू है 3.3 × 10⁷ mm, और नाइट्रोजन के लिए केएच का वैल्यू दिया हुआ है 6.51 × 10⁷ mm, ये वैल्यू दिया हुआ है, और टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है 10 atm। जब केएच का वैल्यू mm में दिया हुआ है तो प्रेशर को भी mm में होना चाहिए, और आप जानते हैं 10 atm है, atm 1 atm इक्वल टू होता है 760 mmHg, यानी कि इसको जब भी हम mmHg में कन्वर्ट करेंगे 10 × 760 ये mmHg आ गया, mmHg ये टोटल प्रेशर आ गया। जब भी टोटल प्रेशर दिया हो आपको पार्शियल प्रेशर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमको फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, क्या फार्मूला होगा,
नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर अपॉन हेनरी कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना है 79 × 76 और हेनरी कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 6.51 × 10⁻⁷। बस डिवाइड कर दीजिए कितना ये वैल्यू आ गया 9.22 × 10⁻¹। ये दोनों वैल्यू आ गए। यही दोनों आपको फाइंड करना था कि दोनों का कंपोजिशन यानी कि दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है। पूरा कंक्लूजन ये है कि जब भी टोटल प्रेशर दिया होगा पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जब निकल जाएगा तो चूंकि आप जानते हैं हेनरी इक्वेशन क्या है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का सारे सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनस मिक्सचर। तो सॉलिड सोल्यूशन का मतलब है दो या दो से अधिक सॉलिड का होमोजेनस मिक्सचर जो होगा उसको आप कहेंगे सॉलिड सोल्यूशन। बहुत सारे इलाज जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ज्वेलरी मैक्सिमम जो है वो सॉलिड सोल्यूशन होते हैं क्योंकि सॉलिड सोल्यूशन में जो आप दो या दो से अधिक सॉलिड को मिक्स करके होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टी पहले से डिफरेंट हो जाती है और जो हम लोग के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। इसलिए अपने अकॉर्डिंग उसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए सॉलिड सोल्यूशन बनाया जाता है। बहुत सारे एलाय में इस तरह का केस देखा जाता है। तो सॉलिड सोल्यूशन का मतलब है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन सॉलिड कंपोनेंट्स उसको आप सॉलिड सोल्यूशन बोलेंगे। और सॉलिड सोल्यूशन जो है दो टाइप का होता है बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन और सेकेंड जो है इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन। ये दो टाइप के सॉलिड सोल्यूशन सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन और इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन। बहुत इजी टर्म है ये सब्स्टिट्यूशनल सब्स्टिट्यूट रिप्लेसमेंट व्हेन टू आर मोर देन टू सॉलिड कंपोनेंट्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक साइज। जब भी दो या दो से अधिक जो कंपोनेंट सॉलिड कंपोनेंट होंगे उनका एटॉमिक साइज जब सिमिलर होगा क्वाइट सिमिलर होगा तब यहां पे एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। इससे जो नया सॉलिड सॉल्यूशन आपको प्राप्त होता है उसको आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सिल्वर और कॉपर इन दोनों का अगर मिक्सचर हम लेंगे इन दोनों का एलॉय बनाएंगे तो सपोज दैट ये पूरा कॉपर का मेटल है। सिल्वर का मेटल और कॉपर एटॉमिक साइज दोनों का बहुत ही सिमिलर है और इसलिए यहां पे कॉपर के कुछ मेटल जो है सिल्वर के मेटल से रिप्लेस हो गए। और इस सिमिलर देखिए कॉपर का मेटल ऐसे हम दिखा रहे हैं और जो ये शैडो लाइन हम बना रहे हैं ये है सिल्वर का मेटल सिल्वर का एटम और इस तरीके से कुछ सिल्वर के एटम जो है उसको रिप्लेस करके आ गए। या इसका अपोजिट भी हो सकता है कि ये पूरा सिल्वर का एटम है और ये जो है कॉपर के एटम को कॉपर के जो एटम है इसको रिप्लेस करके आ गए। इस तरह से जो सोल्यूशन आपका सॉलिड सोल्यूशन बना उसको आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन। नाम से ही क्लियर है सब्स्टिट्यूट मींस रिप्लेसमेंट। कोई भी एक एटम जो है दूसरे को रिप्लेस करेगा। कब रिप्लेस करेगा जब दोनों का एटॉमिक साइज नियर अबाउट सेम हो। जब भी एटॉमिक साइज सेम होता है एक एटम दूसरे को रिप्लेस करके जो होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं इसको आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल। ये इस तरीके का सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड का ये एग्जांपल। जो सेकंड है इंटरस्टिशियल सॉलिड टू इंटरस्टिशियल पहले आप इंटरस्टिशियल पॉइंट को समझें फिर उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन की हम बात करें। इंटरस्टिशियल का क्या मतलब है कोई भी क्रिस्टल लैटिस है और इस क्रिस्टल लैटिस में जो वॉइड्स हैं वैकेंट स्पेस है इसको आप कहेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड। ये जो वैकेंट स्पेस है इसी को आप इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं वाइड साइड। तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें इंटरस्टिशियल साइड या वाइड्स में जो बीच में गैप है उसमें कुछ छोटे एटम आकर के बैठ जाएंगे एकोमोडेटेड हो जाएंगे तो उसको आप कहेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहां पे हम एग्जांपल की बात करते हैं जैसे बहुत ज्यादा ऐसे ट्रांजिशन मेटल है जो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। 11th क्लास में भी ये पॉइंट आपको बताया गया था कि जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं जो डीप लॉक के मेटल ट्रांजिशन मेटल होते हैं जो मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होते हैं। तो जितने भी मेटल हाइड्राइड
मेटल कार्बाइड, ये सब हमेशा इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं क्योंकि मेटल के कंपोजिशन में हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन या कार्बन इन दोनों का एटॉमिक साइज बहुत कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन या कार्बन जो है इसके इस इंडस्ट्रियल साइट में आकर के बैठ जाते हैं और इस तरीके से जो सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको आप करते हैं इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या आपको लिखना है, व्हेन टू आर मोर देन टू एटम्स हैज ग्रेटर डिफरेंस इन एटॉमिक साइज देन स्मॉलर एटम्स एकोमोडेटेड इन इंटरस्टिशियल साइट आर वैकेंट स्पेस आर वाइड्स। जो भी स्मॉलर एटम्स होते हैं इनके वैकेंट स्पेस में या इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं जिसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन बनता है इसको आप कहते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। स्टील और कास्ट आयरन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो इंटरस्टिशियल सॉलिड के एग्जांपल हैं, स्टील या कास्ट आयरन। इसमें भी आप देखते हैं कि कार्बन के छोटे एटम जो है इसके इंटरस्टिशियल साइट में एकोमोडेट हो जाते हैं और इस तरीके से ये सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे ही एक और भी एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है क्योंकि कार्बन के एटॉमिक साइज टंगस्टन के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है, इसलिए कार्बन इसके इंटरस्टिशियल साइट में जा करके एकोमोडेट हो जाते हैं और इस तरीके से इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन में दो पॉइंट है, सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूशनल का मतलब रिप्लेसमेंट, जब भी एक एटम को दूसरा एटम रिप्लेस कर देगा तो जो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल। कब ऐसा होगा, जब दोनों सिमिलर साइज के होंगे, एटॉमिक साइज जब दोनों का सेम होगा। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि एक ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें एक एटम इंटरस्टिशियल साइट में जो खाली जगह है वैकेंट स्पेस से वाइड्स है इसमें जाकर के एकोमोडेट हो जाएंगे तो इससे जो सॉलिड सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसको आप कहेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। और ये कब होगा, जब दोनों के एटॉमिक साइज में ज्यादा का डिफरेंस होगा, जैसे स्टील कास्ट आयरन इन सभी में भी कार्बन होता है जिसकी साइज स्मॉल होती है, टंगस्टन कार्बाइड या ट्रांजिशन मेटल के हाइड्राइड, ये बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं जो इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल।